नमस्कार दोस्तों, अपने घरों में हम हर छोटे बड़े मौके पर बनाते हैं सूजी का हलवा और हम सभी के तरीके बिल्कुल अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा स्वाद भरा और स्वादिष्ट तरीका जो है इसका, वो है सूजी का मखंडी हलवा। आज हम बनाएंगे सूजी का मखंडी हलवा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जो कभी फेल नहीं होगा। ऑलवेज नॉर्मल हलवे से बहुत ज्यादा स्वाद भरा बनता है ये। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने ले ली है एक कटोरी सूजी। अब आप जो भी नाप लीजिए, जैसे कटोरी लेते हैं या कप लेते हैं, तो बस उसी को हमें हर चीज के लिए ये रखना है, इसी से हर चीज का हम नाप लेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक कटोरी सूजी है उसको हम किसी बड़े बर्तन में डाल देंगे। सूजी जो है वो हम बड़े बर्तन में डाल दी है दोस्तों। अब ये जो कटोरी है उसी को भरकर हमें, दो कटोरी भरकर इसमें दूध जो है वो डाल देना है। ये हो गया एक और ये हो गया दो। कप कटोरी जो भी आपने लिया है दोस्तों परफेक्ट रहेगा, उसी हिसाब से बनाइएगा तो बिना फेल हुए ये बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगा। चम्मच की मदद से सूजी को दूध में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के लिए इसी तरह से दूध में भीगा हुआ छोड़ देंगे। जब तक सूजी भीगेगी दोस्तों, तब तक कुछ इलायची के दाने लिए हैं वो हम छिलके उतार कर कूट लेंगे। बादाम जो है उसकी बारीक कतरन कर लेंगे। उसके सिवा मैंने थोड़ी सी किशमिश भी ली है। आपके पास इसके सिवा भी जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए और उसको भी बारीक कतरन जैसा बना लीजिए। अब दोस्तों मैंने रख दिया है एक पैन गैस पर गर्म होने, और जिस कटोरी से हमने दूध और सूजी नापी थी बस उसी कटोरी को भरकर मैंने डाल दिया है यहाँ पर एक पैन में घी गर्म होने के लिए। जैसे ही घी गर्म हो जाए होता है दोस्तों, तो उसी कटोरी को भरकर हम डाल देंगे यहाँ पर घी के अंदर चीनी, और अब इसको लो फ्लेम पर शुगर को कैरेमलाइज होने तक का वेट करेंगे। बीच में इसको चलाते भी रहेंगे हल्के हाथों से, ताकि ये शुगर जो है वो घी में बिल्कुल अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो जाए। हल्की आंच पर चीनी को घी में गर्म करते वक्त दोस्तों सिर्फ 2 से 2.5 मिनट लगेगी लगातार चलाते हुए। और ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अब चीनी जो है वो इसमें पिघलने लग चुकी है, लेकिन हाँ हमको इसको हल्की आंच पर हल्के हाथ से चलाते भी रहना है। 1-1.5 मिनट और लगेगी और ये चीनी जो है वो दोस्तों सारी ही तब तलक में पिघल जाएगी। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट का समय लगा है दोस्तों इसमें हल्की आंच पर चीनी को पिघलाने में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं चीनी जो है वो घी में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हमें इसको कैरेमलाइज करना है, तो हल्का सा ब्राउन कलर जो है वो हम इसका आने देंगे। उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगेगी, मगर हाँ फ्लेम जो है वो लो ही रखिए, वरना कैरेमलाइज होने की जगह शुगर सिरप जो है वो जल जाएगा। घी के आर पार आपको देख रहे होंगे दोस्तों, तो हल्का सा चीनी का ब्राउन कलर जो है वो आ चुका है। बस इसी वक्त दोस्तों हमने ये जो सूजी दूध में भिगा कर रखी थी वो सारी की सारी हमें केयरफुली इसके अंदर डाल देनी है। और अब हम इसको कंटिन्यू चलाकर आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इस वक्त दोस्तों फ्लेम जो है वो हम मीडियम कर लेंगे, और अब ये जो दूध और सूजी हमने डाला है कैरमलाइज की हुई घी वाली चीनी में, इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, कहीं पर भी गट्ठे भी ना रहें और ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। ध्यान रहे फ्लेम जो है वो अब इस वक्त हमको मीडियम रखना है। कैरमलाइज शुगर की वजह से बहुत ही सुनहरा खूबसूरत सा कलर आ गया है हलवा का दोस्तों। लगातार तले से लगे नहीं, इस तरह से चलाते हुए लगभग हमें 8 से 10 मिनट तक इसको चलाते रहना है। और जब 8 से 10 मिनट हो जाए तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो हमने जो बादाम कूट कर रख लिए थे वो डाल देंगे।
साथ ही में मैंने थोड़े से अखरोट भी ले ली है, वो भी कूट कर डाल दिए हैं। इलायची जो हमने ली थी उसके दानों का पाउडर बना दिया था पीस कर, वो भी डाल लेंगे। और अंत में डाल देंगे थोड़ा सा किशमिश। अब इन सभी चीजों को फिर से आपस में मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छी तरह से और पकने के लिए इसी में साथ में चलाते हुए लगा लेंगे समय थोड़ा सा और। कुल मिलाकर दोस्तों 12-13 मिनट हो चुके हैं और घी जो था वो सारा इसने सोख लिया है और साथ ही में अब ये पैन से भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो मखंडी हलवा है वो बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हम दोस्तों फ्लेम जो है वो ऑफ कर लेंगे। अब दोस्तों फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने ले ली है अलग अलग साइज की कटोरियां, छोटी बड़ी जैसी भी आपको पसंद हो वैसी ले लीजिए। और इसमें बॉटम में हम करेंगे थोड़ा सा गार्निशिंग, तो थोड़ा सा कुटा हुआ कोई भी आपका मनपसंद ड्राई फ्रूट जो भी हो आपके पास वो सभी में मैं सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा रख लूंगी। सभी कटोरी में ड्राई फ्रूट रखने के बाद दोस्तों मैंने ले ली है थोड़ी सी मिक्स कलर टूटी फ्रूटी, वो भी आप अपने हिसाब से इसमें अपनी मनपसंद तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और अब उसके बाद दोस्तों हमने ये जो हलवा बना के रखा था वो सभी कटोरी में सबसे पहले तो अच्छी तरह से हम दबा दबा कर इस तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से कटोरी में प्रेस करके भर लेंगे। जितनी भी कटोरी में दोस्तों मैंने हलवा बनाया था वो सारा ही मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के इस तरह से भर ले रही हूँ। मखंडी हलवा भरी हुई कटोरी को दोस्तों हम देंगे सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट। 5 मिनट के रेस्ट के बाद दोस्तों हमारा ये जो मखंडी हलवा है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस अभी कुछ नहीं करना है हमको, एक कटोरियां जो है उनको उल्टा ही करना है प्लेट में और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी। लाजवाब स्वाद वाला हमारा मखंडी हलवा बनकर रेडी है दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर मटेरियल वही सारे यूज हुए हैं जो नॉर्मली हमारे घर में जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तब यूज होते हैं, वही है सारे। लेकिन बस इसको सिर्फ बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदला है और उसी से जो लाजवाब स्वाद आता है दोस्तों वो काबिले तारीफ होता है। एक बार बनाकर देखिए, आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अब त्योहारों का मौसम चल पड़ा है सावन के साथ साथ, तो बस फिर देर किस बात की है, बनाइए खुद भी खाइए औरों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को हो सके उतना शेयर करिए औरों के साथ ताकि वो भी नए तरीके से बनाकर खा सके सूजी का मखंडी हलवा। और हाँ साथ साथ में मुझे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बार होता है, टोटली फ्री होता है, तो सब्सक्राइब करिए प्लीज, है ना। और साथ ही में इस मन भावन रंग बिरंगी मिठाई का आनंद भी लीजिए। शुक्रिया।